नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ ऑनिका महेश्वरी। फरीदाबाद के सेक्टर 24 में आज सुबह 30/2 प्लॉट नंबर में रबड़ की कंपनी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कंपनी में लाखों रुपयों के माल का जलकर नुकसान हो चुका है। प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक आग की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया। वहीं आग कैसे लगी अब तक इस बात का पता नहीं चल पाया है। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने बताया कि आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। इस आग में कोई जनहानि नहीं हुई है। 30/2 आग लगी हुई है, इसमें रबड़ का कोई आइटम पड़ता है। जी जी, चार पांच गाड़ियां आई हुई हैं, आग गुजारी काबू तकरीबन हो गया है। पूरा प्रयास किया जा रहा है, तो जल्दी ही प्रयास करके और आग बुझा दी जाए। अभी चार पांच गाड़ियां लगी हुई है, तीन गाड़ियां लगातार लगी हुई है। जी जी, तो ये तो आग बुझने के बाद ही पता लगेगा, मालिक बताएगा कितना क्या रबड़ का कोई आइटम बढ़ता है। ऑटो गाड़ी कोई नुकसान नहीं है, सभी हेल्प कर रहे हैं, मजदूर लोग वर्क भी हमारे साथ हेल्प में है और आग जल्दी बुझाई जाए। मेरा नाम रत्नेश कुमार है। लगभग 8:30 बजे ऑफिस आया था, तो उस टाइम में देखा कि मेरे कंपनी में जो है पूरा पकड़ रखा था। मतलब मेरे कंपनी में जो है जी जी, उसके बाद जो है इधर 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 उसके बाद जो है मतलब उसमें पूरी आग पकड़ रखी थी। तो उस टाइम से हालांकि एक गाड़ी आई हुई थी फाइव लीटर वाली, उसके बाद काफी 8-9 गाड़ी आ चुकी है, लेकिन काफी हद तक जो है उसको कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन अभी भी जो है अभी पूरी तरह से कंट्रोल हुआ। हाँ, पूरी तरह तबाह हो चुकी है, खबर है नहीं, लेकिन देखने के बाद अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।